केक पॉप्स। संजीव कपूर खजाना में आपका स्वागत है। मेरा नाम सीमा है और आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ केक पॉप्स। ये बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बच्चे इसको देखकर ही खाने के लिए ललचाते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं 100 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट स्पॉन्ज केक, 100 ग्राम वनीला स्पॉन्ज केक, 50 ग्राम्स डार्क चॉकलेट, 50 ग्राम्स वाइट चॉकलेट, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 50 ग्राम्स बटर, 100 ग्राम आइसिंग शुगर। केक पॉप को सजाने के लिए आपको चाहिए अलग अलग तरह के स्प्रिंकलर्स, चॉकलेट, वनीला एसेंस, किसी भी तरह के स्प्रिंकलर्स, 20 लॉलीपॉप स्टिक्स। सबसे पहले हम बटर आइसिंग बनाएंगे। एक बड़े बॉल में बटर डालेंगे, थोड़ा सा वनीला एसेंस और फिर 100 ग्राम आइसिंग शुगर डाल के सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके लिए बटर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर बटर आपका फ्रिज में रहता है तो थोड़ी देर पहले आप उसे बाहर निकाल के रख लीजिए। बटर आइसिंग तैयार है। ये थोड़ी सी आइसिंग हम आधी वनीला केक के लिए निकाल देते हैं और आधे में हम चॉकलेट केक मिक्स कर देते हैं। आप केक कोई भी ले, चाहे बाजार का चाहे घर बनाए, पर ध्यान रखें कि केक थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ड्राई केक इस रेसिपी के लिए ना इस्तेमाल करें। इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर हम बटर पेपर के ऊपर रख देंगे। ध्यान रहे बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक ना रहे। इसी तरह से आप वाइट स्पॉन्ज में भी बटर आइसिंग मिलाकर उसे अच्छी तरह मिक्स कर दें और उसके भी बॉल्स बना लें। 50 ग्राम्स केक में करीब 10 बॉल्स हमारे बन जाते हैं। इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर हम बटर पेपर के ऊपर रख देंगे। इसी तरह आप सारे मिक्सचर के बॉल्स बना लीजिए और इसे रख दीजिए। लॉलीपॉप स्टिक्स लगाने के लिए आपको थोड़ी मेल्टेड चॉकलेट की ज़रूरत होगी। हम इसे माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए गर्म करेंगे। हमारी चॉकलेट अब मेल्ट हो गई है। इस मेल्टेड चॉकलेट से हम ये लॉलीपॉप स्टिक्स अपने केक में चिपकाएंगे। आप इसके लिए वाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट चॉकलेट, कोई भी चॉकलेट, ये सिर्फ चिपकाने के काम आ रही है। इसे हमें करीब 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखना पड़ेगा। 15-20 मिनट में आप अपने केक पॉप्स बाहर निकालिए और 5 से 10 मिनट उसे बाहर ही रहने दीजिए। इसमें आप वाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट जो चाहे वो लगाकर इसमें अलग अलग स्प्रिंकलर से सजा सकते हैं। हम इस तरह हर केक पॉप्स को आप या तो डार्क चॉकलेट या वाइट चॉकलेट जिसमें चाहें उसमें डुबोकर अलग अलग स्प्रिंकलर से सजा सकते हैं। इसी तरह वाइट चॉकलेट में डुबोकर जब तक चॉकलेट पूरी तरह कोट ना हो जाए आप इसमें स्प्रिंकलर्स नहीं लगा सकते। हमारे केक पॉप्स अब तैयार हैं। आप देख सकते हैं बच्चे इसे देख कर रह नहीं पाएंगे और ये तुरंत ख़त्म हो जाएंगे।